राम राम जी। जैन साथियों, मैं दीपक चंदीला और भाई एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो जानी चाहिए। आज मेरे साथ ना एक भाई बैठा है और इस वीडियो में जो भाई बैठा है मेरे साथ, नाम मेले में बता दूं, नाम है सोनू भाई का। ठीक है, वक्त बदलते ना इंसान की देर नहीं लगता, मतलब बस क्या बताऊं मैं आपको कि ये शख्सियत ऐसी है कि जिसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। और बचपन से जब हम भी जाए कर लिगड़े कर हमारे सामने थे तो हम क्या करे यार, सोनू भाई मतलब इसकी तरह बॉडी बनानी है। 2013 और 14 के अंदर ऐसी भयंकर बॉडी बना रखी ना भाई ने, ऐसी भयंकर बॉडी बना रखी। और जब लिगड़े कर ना गली में से मोहल्ले में से तो लौंडा क्या करे यार, यू सोनू कर कर रहा हो आजकल। भाई आज की डेट में क्या हाल है, आज स्थिति कुछ और है साथियों, और स्थिति इतनी भयानक है कि मैं आपसे ना बयान नहीं कर सकता। सच में मैं इसको डेली देखता हूँ, मेरे दिल के अंदर ना एक रोष रहता है। आज मैं जा रहा था सुबह सुबह, ये सामने आ गया, मैंने इसको बैठा लिया अपने साथ। सोनू बता भाई। लोगों, दारू बहुत गंदी चीज है। 2013-14 में ऐसा था मैं कि पूछो मत। बंदे जब मीठापुर तक जाता था ना, फोटो दिखाई होगी वो इसकी फोटो दिखाता हूँ मैं 2013-14 की, मतलब आप अपने आप में अलग चीज लगे कराए हो, अपने आप में एक दूसरी चीज लगे कराया जब भी लिगड़े कराए हो। चश्मे वाली फोटो है, और इतना मलूक लगे कर रहा है, इतना हैंडसम लगे कर रहा है ना, इसकी कोई हद नहीं भाई। पर ये दिन में जो दारू पीते हैं उनके बारे में बताइए तनक सोनू। दिन में कभी दारू मत पियो, अपना ड्यूटी करके आओ, शाम को पियो, आराम से पियो ही मत दारू। दारू को छोड़ ही दो आप लोग, दारू ने पूरा नष्ट कर रखा है, पूरा इस देश को नष्ट कर रखा है आज की डेट में। दारू के चक्कर में ऐसी स्थिति है ना इसकी, हम देखते हैं ना इसे खुद, हमें खुद रोना आ जाता है, हमें खुद रोना आ जाता है। अरे भैया, मैं पैसे देता हूँ घर पे, 7,000 रुपए देता हूँ, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। और बोलो, रिलायंस मॉल में काम करता हूँ मैं। ये कितनी बड़ी बात है, घर में पैसे देता फिर भी। भाई की शादी हुई थी, वाइफ चली गई छोड़ के, बेटी भी है चली गई अपने साथ लेके चली गई, सिर्फ इस दारू के चक्कर में अपने घर छोड़ के चली गई। भाई यहाँ छोड़ के चली गई, कोई बहन को पहले भाई राम राम, भाई राम राम ऐसे करते थे सब, अब कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं देखता, सब बचना चाहते हैं लोग बाग। अरे बिना चश्मे के ना घर तक लिगड़े कराने भाई, अगर गिलास नहीं होगा ना तो घर में लड़ाई कर देता है, घर में लड़ाई कर देख रहा है। फोटो भी सारी चश्मे वाली गिरे कर रहा है फेसबुक पे भी, यार वैसे भी कहीं सोशल मीडिया पे। बिना चश्मे घर तक ना लिगड़े कर रहा, घर में लड़ जाए कर रहा है, मैं चश्मा लगा के ही घर तक लिगड़ूंगा। पर आज की डेट में स्थिति कुछ और है साथी, आपको दिख रहा होगा कि भाई थोड़ा दारू की ना इतनी गंदी लत है, दिन से ही बहुत गंदी लत है ना। सभी स्ट्रेस फ्री करने के लिए अपना सब पीते हैं घर में, अपना बड़े बड़े आदमी पीते देखे भाई हमने, वे अपना नियम से पीते हैं। तो अपना घर पे बैठो, अपने घर परिवार में भी इज्जत होनी चाहिए, अपना परिवार तुम्हारे साथ रहना चाहिए। कि भाई दारू आप लोग छोड़ ही दो, ये तो शाम को पियो, ये तो महीने में एक आध बार पियो। दारू इतनी गंदी नष्ट है ना, ये तो योगी आ जाएगा ना तो योगी दारू बंदी करवा देगा तो बढ़िया है दिल्ली में। ठीक है भाई, बहुत अच्छा मैसेज दे रहा भाई। अपनी आप बीती क्या वो बात होती है ना कि जिस पे बीतती है वही बता सकता है, वाक्य में यहाँ पे बीती पड़ी है भाई, यू ही बता रहा है। तो ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, ताकि भाई जो दारू के चक्कर में अपने जीवन नष्ट करके बैठे हैं ना, दारू के चक्कर में अपना जीवन नष्ट मत करो। दारू को अगर पीना है तो टाइम से पियो, शाम को 7-8 बजे पी लो अपना, आके पी के आराम से खा के सो जाओ अपना आराम से। ये नहीं कि बहन सुबह उठते ही 7 बजे तुम दारू पीने, वही मैंने सीन किया था, वही सीन मेरे साथ बितरा है, मेरे साथ बितरा है। 7,000 रुपये देता हूँ महीने के घर में, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है घर में। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, इसका दिल रो रहा है, ठीक है, और वाकई में भाई हमारा दिल भी रोता है। और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे सोनू भाभी से बात करने की, उनके घर वालों से बात करने की, हम अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास करेंगे। पर उसके लिए तुझे प्रण लेना पड़ेगा भाई कि तू अपना नियम और नियम से चल, वाकई बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। एक यही मैसेज पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ भाई कि भाई आप अपना सिस्टम बनाओ, एक अपने तरीके से बैठो, ठीक है। ऐसे अपनी जिंदगी ओवर मत करो, ऐसी क्या पीनी बहन से, जो घर में इज्जत ना हो, जो सारी चीज ना हो यार, ऐसी क्या पीनी बताओ। यू कोई इतनी अमरमोल चीज तो है ना, जब मैंने तुम्हारी बॉडी बना के रहेगी तो मैं रातों रात वो बना के रहेगी तो भाई तुम्हारा शरीर तो नष्ट करेगी, तो अपना हिसाब तो ले उसे। और सोनू है मेरी तरफ तो चश्मा ले, तो चश्मा लगाने का शौक है ना, लगा चश्मा, अब बोल।
भाई लोगों कभी दारू को नहीं, वो बात ठीक है, दारू नहीं पीनी। चश्मा मैं भाई को दे रहा हूँ, तुझे चश्मा लगाने का शौक हमने बचपन तक देखा, तू चश्मा ही लगा हुआ, तू चश्मा तेरे लिए रख लिया अपने पास, ठीक है। और ये वीडियो शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, जो भी भाई अगर चाहते हो कि लोग बाग तक थोड़ी अच्छी सीख जाए, भाई लोगो ठीक है, अच्छी सीख सीखो, दारू मत पीना, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं दारू के लिए बोल रहा हूँ तो गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। इस वीडियो को शेयर करो, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, दारू के चक्कर में मत अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। रिलायंस मॉल में कभी आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। चल ठीक है, हाँ वो बात आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं, ठीक है। तो भाई अपना बस सीख यही है कि अपना दारू वारू थोड़ा ही लिमिट से, ठीक है। राम राम जी, जय हिंद जय भारत, या की बहन की टॉट, या की जय हिंद भारत।